वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 5 साल में भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा था कि सरकार बन जाएगी तो 70 लाख नौकरियां देंगे, लोगों को आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय C2+50 और उसके बाद फिर उनकी आय दुगनी करना, किसानों को अलग करेंगे, महंगाई कम करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा 2014 में लगा था। अब उनके पास विकल्प ही कुछ नहीं बचा है कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इस उत्तर प्रदेश की जनता को चुनना है कि क्या फिर से वो दंगाई, अपने बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ है उसके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमा था, और जो प्रचलित था इस बात के लिए कि कब्र से उठा करके मुस्लिमों का बलात्कार करेंगे, वो व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपना मुकदमा खुद वापस ले लेता है। तो दंगाई लोग सरकार में आ गए और बुलडोजर चलवाने लगे, पुलिस दंगाई बन गई। UP नंबर 1 है अपराध में, UP नंबर 1 है गुंडागर्दी में, UP नंबर 1 हुआ बलात्कार में, हाथरस जैसी एक घटना करने में कि जिसमें कह दिया बिना पेट्रोल डाल करके किसी बलात्कार पीड़िता के शव को जलाने की घटना उत्तर प्रदेश में हुई। तो सही बात है भाई, इस देश के बाकी लोग समझ जाओ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक देश का ऐसा प्रदेश है जो सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ लोकसभा की भी 80 सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और सजग लोगों का प्रदेश भी है, वहाँ तमाम तरह के सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन भी चले हैं, और राजनीतिक तौर पर भी बहुत सक्रिय हस्तक्षेप तमाम पार्टियों का रहा है। और तीसरा मसला उत्तर प्रदेश को लेकर के ये है कि उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर भी, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। तो इस पूरे सवाल को लेकर के यह बहुत स्वाभाविक सा एक पक्ष बन जाता है कि चुनाव तो देश भर में होते रहते हैं, लेकिन उन चुनावों के बीच में जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आती है, जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, तो अचानक से आप देखेंगे कि पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरगलाने की कोशिश की जाती है। यह कोशिश 1990 में शुरू कर दी गई, जब 1990 में देश भर में मंडल आंदोलन की एक हवा चल रही थी, मान्यवर कांशी राम सैकड़ों रैलियां कर रहे थे और नारा लगा रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही थी, उसमें तमाम समाजवादी धड़े उस सरकार को बनाने में, दिल्ली की सरकार को बदलने और बनाने में भूमिका निभा रहे थे। दूसरी तरफ मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की पूरी कवायद चल रही थी, उनके घोषणा पत्र में था कि वो मंडल कमीशन लागू करेंगे, यानी इस देश की आधी आबादी को उनके हिस्से का हक हुकूक व न्याय मिलेगा। इस सब के साथ अचानक आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पुराना संगठन जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहा, जिसके नायकों ने हिंदूवाद का नाम लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम लेकर के, हिंदुत्व पर किताब लिख करके अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, 42 के आंदोलन का विरोध किया, अचानक से उन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को एक मुद्दा बनाया और मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन शुरू की। तो अब 5 साल बाद जब उनको सरकार उत्तर प्रदेश में भी मिल चुकी थी, वो सत्ता में थे, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने उस तरह का फैसला भी इस देश में करवा लिया कि आज राम मंदिर का फैसला सुनाने वाला जज कल जाकर के राज्यसभा में शपथ ले रहा, और तमाम तरह से वो बाबरी मस्जिद पर हमला करने के प्रकरण को वही कोर्ट कहती है कि वो असंवैधानिक था, अवैधानिक था, लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद अब मौका मिला था तो कम से कम विकास की बात करते। 5 साल में भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा था कि सरकार बन जाएगी तो 70 लाख नौकरियां देंगे, लोगों को आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय C2+50 और उसके बाद फिर उनकी आय दुगनी करना, किसानों को अलग करेंगे, महंगाई कम करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा 2014 में लगा था, 14 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख रुपया देने की बात करती थी, तमाम नारे दिए थे। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और कंटिन्यू आप देखेंगे देश के सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है। अब इसके बाद जब चुनाव 2022 में वो लड़ने जा रहे हैं, तो 5 साल उनको उत्तर प्रदेश में शासन करने का मौका मिल चुका था और लगभग 7 साल केंद्र में हो चुका है। होना ये चाहिए कि वो सरकार अपना एक घोषणा पत्र की तरह से एक पत्र जारी करे कि देखो हमने इतना रोजगार दिया। आज वो कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी, वादा था 70 लाख नौकरी देने का,
और झूठ आंकड़ा बोल रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दी, और वो भी नौकरी कैसी थी, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह थी, जिसमें ओबीसी को आरक्षण 3.8%, दलितों और दलितों का भी आरक्षण उसमें पूरा नहीं है। तो जो काम नहीं कर पाए वो, अब उनके पास विकल्प ही कुछ नहीं बचा है कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इस उत्तर प्रदेश की जनता को चुनना है कि क्या फिर से वो दंगाई, अपने अपने बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं, मथुरा और काशी के लिए वो मंदिर बनवाने के लिए लड़ेंगे कि उनका रोजगार छिन गया, उनकी शिक्षा को बेच दिया गया नई शिक्षा नीति के तहत। उत्तर प्रदेश में भी सपा और बसपा में उसी दौर में मिले मुलायम, कांशी राम, हवा हो गए, जय श्री राम, ये सब करके दिखाया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण याद करिए कि हमने दोनों को आपस में लड़वाया, दो कांटों में से एक कांटे को दूसरे से निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। तो ये जो समाजवादी और बहुजन पार्टियों से गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा आज सामाजिक न्याय के विचार और नौजवानों को उठाना पड़ रहा है। तो जो योगी आदित्यनाथ है उसके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमा था, और जो प्रचलित था इस बात के लिए कि कब्र से उठा करके मुस्लिमों का बलात्कार करेंगे, वो व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपना मुकदमा खुद वापस ले लेता है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बनता है उसके ऊपर मुकदमे थे, वो वापस ले लिए। तो दंगाई लोग सरकार में आ गए और बुलडोजर चलवाने लगे, पुलिस दंगाई बन गई। ये दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार कौन किया है, ये किसका पैसा है, इस देश के आम गरीब जनता का पैसा है जो प्रचार में उसको उड़ाया जा रहा है। और वो प्रचार करके दिल्ली को कह रहा है कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी, यूपी नंबर वन है अपराध में, यूपी नंबर वन है गुंडागर्दी में, यूपी नंबर वन हुआ बलात्कार में, हाथरस जैसी घटना करने में कि जिसमें कह दिया बिना पेट्रोल डाल करके किसी बलात्कार पीड़िता के शव को जलाने की घटना उत्तर प्रदेश में हुई। अब ये मैनुपुलेशन कर लें वोटर लिस्ट में, मैनुपुलेशन कर लें ईवीएम में, और तमाम तरह से बरगला दें। हाँ, इन्होंने एक काम किया है, प्रचार इतना ज़्यादा किया है कि बाढ़ राहत कोष में जो पैकेट बेचा जाता था, लोगों को दिया जाता था, उस पैकेट पर किसी नेता का तस्वीर नहीं होती थी, उस पर मोदी और योगी की तस्वीर बना करके बाढ़ राहत के नाम पर ठगा गया है। 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, तो मुफ्त क्या होता है, इस देश में माचिस दिया सलाई भी कोई खरीदता है ना तो टैक्स देता है। योगी और मोदी अपने घर से नहीं दे रहे, या मुफ्त ये गलत है। कोई मुफ्त वैक्सीन, दुनिया भर में वैक्सीन लगी है, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दुनिया भर में होर्डिंग लगा के प्रचार नहीं कर रहा है कि देशवासियों थैंक यू मुझे कहो, मोदी मैं ही कह रहा हूँ थैंक यू मोदी जी। और सुनिए, वही काम योगी आदित्यनाथ कर रहा है, 5 किलो राशन सबको देंगे, 18 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ जनता में, 18 करोड़ जनता अगर गरीबी रेखा के नीचे है तभी ना तुम 18 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा। तो ये प्रचार जो किया है राशन दे करके, प्रचार जो किया जा रहा है वैक्सीन के नाम पर, प्रचार जो किया जा रहा है कि हम तुमको 500 रुपये अकाउंट में डाल देंगे, इससे वो बरगला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बन रहा है हिंदू राष्ट्र, हो रहा है राम राज्य काबिल है, और राम राज्य में हाथरस कैसे होता है ये दिख रहा है। राम राज्य में, प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोग 5 लोग बलात्कार, हत्या, कौन कहा, कुछ नहीं हुआ। हाथरस में और उन्नाव में बलात्कार पीड़िता के साथ खड़े होने के बजाय सरकार और प्रशासन ऐसा लग रहा है कि बलात्कारियों के साथ खड़ी है। तो ये वो लोग हैं, ये सिखाएंगे हिंदू राष्ट्र ही होता है। तो सही बात है भाई, इस देश के बाकी लोग समझ जाओ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है। हमारा एक नेता उत्तर प्रदेश का, वो कहता है उप मुख्यमंत्री ने चुप मुख्यमंत्री हैं, यानी वो चुप हैं, 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाले पर चुप हैं, हर चीज पर चुप हैं। आज जाके वो मौर्य लोगों से कहें ना कि यही राम राज्य है, और आज जाके स्वतंत्र देव सिंह, वो पटेल जाति के हैं स्वतंत्र देव सिंह, और उनको क्या किया, 10 साल के ब्राह्मण लड़के का पैर धुल रहे थे, देखा आप लोगों ने, यह है राम राज्य। और योगी आदित्यनाथ के 5 साल की भाषा उठाकर देख लीजिए, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुंडे आजकल उत्तर प्रदेश के गांव में हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हुए हैं। भाषा देख लीजिए, ठोंक देंगे तो ठोंक देने वाली भाषा एक मुख्यमंत्री बोलता है। और आप लोगों ने देखा था वो ऐसे ऐसे आँख चमका के, प्रधानमंत्री जब संसद में नमूना बन जाए, प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। इस मुख्यमंत्री और इसकी भाषा और इसकी सरकार से एक सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल में जो किए वही हमको बता दो। हम जब रोजगार मांगेंगे तो अयोध्या के बाद मथुरा काशी याद आता है, दलित पिछड़ा जब शिक्षा मांगता है तो उसको कहते हैं अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, कब्रिस्तान शमशान। तो 5 साल नौकरी पाए तो क्या किए, तुमको रोजगार मिला था मुख्यमंत्री बनने का, तो नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश के लोगों की नज़र है। अगर 22 में ये लोग फिर वापस सरकार बनाने में कामयाब हो गए, मैं तो कह रहा हूँ जो जीत रहा हो, जो बीजेपी को हरा रहा हो, उसको वोट दीजिए।
पहली बार चुनाव इस नाम पर लड़ा जाना चाहिए कि किसको जिताना है ये जरूरी सवाल नहीं है, किसको हराना है ये जरूरी सवाल है। किसान भूल जाएंगे क्या ये जो 750 लोग शहीद हो गए, क्या नौजवान भूल जाएंगे कि कितना बेरोजगारी इनके